डीडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं डीडी रॉय, आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा, मैथ में कमजोर कैसे तेज तरार बने। ये एक स्टेप बाय स्टेप इसके एनालिसिस आज होगी और वे आउट प्लान है कि कैसे कमजोर से आप तेज तरार बनेंगे और वो भी केवल 30 दिनों में। देखिए, इस वीडियो का ये तीसरा टुकड़ा है, तीसरा एपिसोड है। पहले मैंने कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें वो दिया है, हाल फिलहाल मैंने कमजोर छात्र गणित की शुरुआत कहां से करें ये दिया हुआ है। आज का जो है फाइनल स्टेज है कि स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हुए, पीछे के दोनों वीडियो की रेफरेंस लेते हुए, कि कैसे हम इस चीजों से निजात पाएंगे, एक वास्तविक रूपरेखा। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त को बिना गंवाए। जैसे पहले भी मैंने बोला हुआ है कि देखो मैथ का जो है, मैथ क्या चीज है, गणित क्या चीज है। गणित में दो चीज होते हैं, कैलकुलेशन और कंसेप्ट। सबसे पहले है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, बिना कैलकुलेशन का कुछ भी नहीं हो सकता है, तो कैलकुलेशन पहले। अब देखिए, ये कैलकुलेशन भी क्या होता है, दो टाइप होता है, नॉर्मल और टिपिकल। नॉर्मल मतलब है जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग देना। टिपिकल क्या है, भिन्न के जोड़, भिन्न के गुणा, भिन्न के भाग, दशमलव के सारे प्रक्रियाएं, फिर है वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना। अब जान के रखेंगे कि ये जो पूरी विधि है ये केवल 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, केवल 4 घंटे में। तो पहले हताशा से निकलने के लिए इसे पहले कंप्लीट करें, 4 घंटे का वक्त लगेगा, केवल 4 घंटे। फिर हम कंसेप्ट में आते हैं। कंसेप्ट को भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक फंडामेंटल, एक वे आउट। फंडामेंटल क्या है, जैसे प्रतिशत, तो प्रतिशत का फंडामेंटल में एक दो ही चीज आता है दोस्त, प्रतिशत है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी होता है और बहुत ही अच्छा होता है कि अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं उसे, किसी उदाहरण के साथ समझते हैं, तो वो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जैसे प्रतिशत में है कि किसी संख्या को प्रतिशत में हम व्यक्त करेंगे, बोलना है तो कैसे बोलते हैं, किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे, किसी दशमलव के संख्या को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उसे कैसे करेंगे, या किसी प्रतिशत के संख्या को अगर भिन्न में व्यक्त करना है तो उसे कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें 6 टाइप है, ये भी आधे घंटे से ज्यादा का नहीं है, ये जानने के लिए बोला, जानने के बाद जब उसकी प्रयोग करेंगे तभी आपके खून में मिलेगा। तो पहले तो जानना जरूरी है, बिना जाने कुछ नहीं हो सकता है, और आप बहुत दिनों पहले आप जाने थे, आज उसका उपयोग नहीं हो सकता है, आपको अभी फिर से जानना है। तो देखिए, ये जो चीजें, ये कमजोर छात्र गणित की शुरुआत कहां से करें, ये केवल 30 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने संपूर्ण रूप से इसका आलोचना किया है, इसे समझने की कोशिश किया है। और फिर से मैं एक बात को सबके साथ दोहराऊंगा इसलिए कि अगर आपने देखा भी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों को फिर से आपको देखना जरूरी होगा। क्यों, क्योंकि तब सारे चीजों का तालमेल बैठाते हुए आप किसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे, उस बात का संपूर्ण आपका परसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए, और दूसरी बात मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी और भी कुछ वीडियोस मैं बनाना चाहता हूं कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको मैं प्रॉपरली गाइडेंस दे सकूं। इसके लिए देखिएगा, हर वीडियो में यहाँ पे जैसे कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें, जो देखेगा स्टार्टिंग का मेरा जो है स्क्रीनशॉट है उसमें एक साइड में दिया हुआ है, तो ये जहां भी आपको देखेंगे समझ जाएंगे कि ये इसी जो गणित में तेज तरार कैसे बने, इसके जो वीडियोस हैं उसके ही कोई क्रम या कोई सीरियल है। जैसे यहाँ भी देखेंगे, यहाँ इसको लगाया गया है जो इसके पहले की जो वीडियो दी गई थी। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ के अपने कामों बातों को आगे बढ़ाएं। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहला सवाल है कि कंसेप्ट क्या है। सपोज क्लास टू में कोई बच्चा पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसे गुणा करना आता है, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है उसे पता है, डिवीजन भी आता है, भाग देना भी आता है। मैंने बोला ना, अच्छे क्लास में है, नहीं तो क्लास 3 में लोग जानते हैं इसे।
तो उसे क्लास टू में आते आते या क्लास थ्री पकड़ो ना यार, गुना भी करना आया, भाग भी देने आया। अब चलो उस बच्चे को एक सवाल देते हैं। सवाल क्या है? 14 जन के परिवार में चावल 22 किलो लगता है तो उस परिवार में केवल 3 सदस्य के लिए कितना चावल लगेगा? वो क्या कर पाएगा? आप बोलोगे आप पागल हो क्या, मैं पागल हूं क्या? एक क्लास टू या थ्री का बच्चा ये कहां से करेगा? लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि उसे तो क्या आता है, गुना करना आता है, भाग देना आता है। इस सवाल में क्या करना है, 22 को 14 से भाग देना है, फिर जो रिजल्ट मिलता है उसको 3 से गुना करना है, इतना ही तो करना है। लेकिन वो बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों? उसने दो चीजों को अलग अलग सीखा है, इनको मिला के तीसरा कैसे बनता है उसे पता नहीं है, इसीलिए तो उसे नहीं आता है। तो मैथ अगर आप बोलते हैं कि नहीं समझते, इसका मतलब क्या है? मैं नहीं बोलता कि आपको जोड़ना नहीं आता, आपको अवश्य जोड़ना आता है। मैं नहीं बोलता आपको गुणा करने नहीं आता, आपको अवश्य आता है। मैं नहीं बोल सकता कि आपको घटाना नहीं आता, उसको अवश्य आता है। मैं नहीं बोल सकता कि आपको भागा देना नहीं आता, आपको अवश्य आता है। लेकिन इन चार क्रियाओं का कैसे आप समन्वय करेंगे हर सवाल के हिसाब से, ये आपको नहीं आता है। ये अगर नहीं आता है तो आप अपनी व्यथा को कैसे बोलते हैं, मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। अर्थात मैथ समझ में नहीं आने का मतलब हुआ आपको क्या करना है और क्यों करना है, ये दोनों बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आप बोलते हैं कि आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम 3 बच्चों की कल्पना करते हैं जो हम जानते हैं। एक को क्या बोलते हैं, यार मैथ में बहुत तेज तरारा है, जो भी फटाफट कर लेता है उसको बोलते बहुत होशियार बच्चा है। दूसरा मैथ में मध्यम है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, पढ़ता भी है। तो मैथ में जो तेज तरार है उसे क्या आता है, क्या करना है वो उसे आता है, क्यों करना है उसे आता है। वो क्या करना है वो तो आता ही है, मैथ पढ़ने के बाद ही उसको पता है कि उसको क्या करना है, और वो क्यों कर रहा है वो ये भी पता है। इसलिए आप बोलते हैं कि मैथ में तेज तरार है। मैथ में मध्यम जो है वो क्या है, क्या करना है उसको आता है, क्यों करना है उसको पता नहीं है। और चूंकि क्यों करना है जब पता नहीं है, मैथ में जब भी ट्विस्ट लेता है ये आराम से गिर जाता है। मतलब क्यों करना है पता नहीं है, इसलिए सेम मैथ आता है तो कर देता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है तो उसको उस वक्त समझ में नहीं आता उसको करना क्या है। और मैथ में कमजोर जो है उसे क्या है, उसे क्या करना है वो भी ठीक से पता नहीं है, क्यों करना है तो सवाल ही नहीं। और हमने क्या जाना अभी तक, मैथ जो है कैलकुलेशन और कंसेप्ट का प्रॉपर बैलेंस मिक्सचर है। और इसी मिक्स, जिसके पास कैलकुलेशन की ताकत है, जिसके पास कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही मैथ में तेज तरार है। तो देखिए यहां पे मैंने फिर से ये दोनों सिंबल दिया, क्योंकि ये दोनों को देखने के बाद ही आपको चीजों जो और थोड़ा सा बेटर वे में समझ में आएगा। साथ में देखिए मैंने एक 30 डेज भी लिखा है, 30 डेज मतलब है कि ये आपकी सारे परेशानी का जो अगर आप सही में ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो 30 दिन मैक्सिमम लगता है इन चीजों से निजात। तो फिर जो समस्या है जिससे आप सालों से आप भुगत रहे हैं, केवल 30 दिन में निजात पाना है। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर नीचे करके पैर ऊपर करके आप खड़े हो जाओ, नहीं। मैंने ये भी आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप 24 घंटे में 10 घंटा आप गणित लेके बैठो, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया में आपका मैथ की कमजोरी कभी जा नहीं सकता। इस कमजोरी को, इस भूत को अगर आपके सर से निकालना है तो आपको दूसरे कुछ प्रक्रिया करना होगा। देखिए पहले प्रक्रिया क्या क्या करना होगा, ये तो गणित की शुरुआत कहाँ से करें ये बोला गया। और वहीं पे मैंने दो प्रक्रिया को बोला हुआ है जो केवल 7 दिन उसका लगता है, और उसके बाद तीसरी प्रक्रिया शुरू होता है। तो तीसरी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लें, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसे भी हम जान लेते हैं। अब देखिए आते हैं डाटा सफिशियंसी। मेरे कुछ लड़के इस मामले को जानते होंगे, कुछ लड़के नहीं जानते होंगे। जो बैंक एग्जाम की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो डाटा सफिशिएंसी के संबंध में आता ही होगा। डाटा सफिशिएंसी क्या है, ये हमारे एसएससी के सवालों में भी आता है, एक चैप्टर है, बैंक के इसमें है ही है।
अब है कि हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गणित अगर कमजोर है तो ये डाटा सफिशियंसी हमें इस भंवर जाल से निकाल सकता है। अगर आप, मैं इसको रियल कंसेप्ट बिल्डर बोलता हूं, ग्रेट टूल बोलता हूं, सबसे बड़ा औजार है आपके लिए, जो आपको एक महीने के अंदर में इन सारी समस्याओं से निजात दे सकता है। जी हाँ, इसके लिए किसी आपको क्या कहते हैं मंदिर में जाके माथा नहीं टेकना होगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो गीता में तो वही बोला है, कर्म करेगा तभी तो फल का। आप ये करोगे, आशा करोगे और सही कर्म सही तरीके से। तो सबसे पहला कि डाटा सफिशियंसी का इस्तेमाल क्यों होता है। डाटा सफिशियंसी के बारे से आप जाना जाता है कि किसी मैथ को करने के लिए आप में कंसेप्ट कितना है, और इसका उल्टा इस्तेमाल मैं करने के लिए बोल रहा हूं कि आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो उस कंसेप्ट को लेने के लिए डाटा सफिशियंसी का आप इस्तेमाल करो। इसको छोड़ा मैं अपने तरीके से बनाना चाहता हूं। चलिए देखो, मेरे को रोटी बनाना दोस्त आता नहीं है, आपको शायद आता भी हो नहीं भी आता, लेकिन एक रोटी बनाने की प्रक्रिया में देखो क्या होता है, आटा होता है, पानी होता है, गूंथा जाता है, गूंथने के बाद बेला जाता है बेलन से, बेलने के बाद उसे तवा में हम फुलाते हैं, रोटी तैयार होता है। अब इसमें कितनी प्रक्रियाएं हैं, आटे के साथ पानी मिलाना एक प्रक्रिया है, उसमें क्या है वो एक कंसेप्ट, और साथ साथ में उस क्यों कंसेप्ट है, क्योंकि आपको जानना है कि आटा कितना होगा पानी कितना होगा। पानी ज्यादा देंगे तो भी नहीं होगा, पानी कम देंगे तो भी नहीं होगा। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है कि गूंथा कैसे जाता है, गूंथ लिए। अब तीसरा कंसेप्ट है रोटी का शेप कैसे दिया जाता है। चौथा क्या है, तवे में उसको कैसे सेका जाता है। पांचवा क्या है, उस रोटी को फुलाया कैसे जाता है। तो देखो, एक रोटी बनने में पांच प्रक्रियाएं हैं, और दूसरे तरीके से मैं बोलूं कि इसके अंदर में पांच कंसेप्ट हैं। अब पकड़ लेते हैं कि आप विदेश में रहते हैं, कभी आपने रोटी आपने देखा ही नहीं, या रोटी देखा है, अब आपके हाथ में आटा दे दिया, पानी दे दिया, क्या आप रोटी बना लोगे? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप ये पांच विषय, जो पांच कंसेप्ट, उनके बारे में भी जानना है, और कंसेप्ट की सीरियलिटी को भी मेंटेन करना है, क्रमबद्धता को भी मेंटेन करना है। अगर आप आटे को पहले आग में दे देते हैं तो रोटी बनने से तो रहा, बाद में पानी अगर चूल्हे में डाल देते हैं तब तो बन गई रोटी। उसी तरह बिना पानी के आटा को गूंथने की कोशिश करते हैं तो कभी गूंथेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये पांच चीज है, ये पांच कंसेप्ट के टुकड़े हैं, इन्हीं कंसेप्ट के टुकड़े के सीरियलिटी से आपका रोटी बनता है। ठीक है ना। डाटा सफिशियंसी क्या है? डाटा सफिशियंसी में पूरा कंसेप्ट, मैथ के पूरे कंसेप्ट को नहीं पूछा जाता है, एक टुकड़े को ऊपर सवाल। जैसे लेई, मतलब आटा को पानी में गूंथ के जो बनाते हैं ना, लेई बोलते हैं ना, तो पूछा गया है कि लेई बनाने के लिए आटा और पानी क्या सफिशियंट है, यह पहला सवाल है। तो आप बोलते हैं हाँ है, मतलब क्या आपको वो पता है कि आटा के साथ पानी मिलाने से ही लेई बनता है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है कि मिलाने से नहीं होगा, मिलाने के बाद गूंथना पड़ता है तभी आप बेल सकते हैं, तो ये दूसरा कंसेप्ट है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि डाटा सफिशियंसी एक एक कंसेप्ट को अलग अलग पूछा जाता है। मतलब अगर आप आटा गूंथना जानते हैं, अगर कोई रोटी करना सिखाएगा तो क्या होगा, पहले गूंथना सिखाएगा, फिर बेलना सिखाएगा, फिर तवे में आप उसको फुलाना सिखाएगा। कोई भी माँ अपने बेटी को ऐसे ही रोटी बनाना सिखाएगा। तो देखो, उसमें तीन प्रक्रियाएं को अलग अलग सिखाने के बाद एक दिन उसे पूरी रोटी बनाएगी। पहले क्या था, एक ही दिन में आटा गूंथना, बेलना, रोटी बनाना,
बेटी उठ के भाग जाएगी, बोलेगी मम्मी मेरे को रोटी नहीं मिला। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया की तीन क्रियाओं को अलग से सिखाया गया, फिर तीनों को मिला के उसको पता चल गया रोटी कैसे बनता है। यही डाटा सफिशियंसी है। आप पहले एक चैप्टर के हर छोटे छोटे मुद्दे को आप जानते हैं, उसे हल्के में समझते हैं, क्योंकि वो बड़ी मुद्दा नहीं है, एक छोटी सी मुद्दा है। और वो जब जान लेते हैं तब सवाल में जब आता है बड़ा, तो आपको तो वही हो गया। आपको लेई बनाना भी आता है, मतलब आटे में पानी मिलाना आता है, गूंथना आता है, रोटी में बनाना होता है, तो आप पकड़ लेते हैं कि कहां क्या चीज छूटा हुआ है। तो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट जो है इन छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन से बना हुआ है। तो चलिए हम इस डाटा सफिशियंसी, इस इंफॉर्मेशन बिल्टअप में कैसे काम करता है, इसके लिए पहले कुछ सवालों को हमें देखना होगा, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि होगा कैसे। चलिए इस पे आते हैं। पहला एक सवाल है, पूछा गया क्या भैया एम एक संख्या है, एम एम 6 से विभक्त होगा, एम हो सकता है आपका 42 हो, 45 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी संख्या हो सकता है। एम क्या 6 से विभक्त होगा? फिर बोलता है एम 3 से विभक्त होता है, एम 4 से विभक्त होता है। अब क्या है कि आपको यहां से एक मैसेज मिलता है, अगर कोई संख्या आप क्या पढ़ते हैं कि एम 3 से अगर विभक्त होता है, 4 से विभक्त होता है, तो 6 से भी विभक्त होगा। कारण क्या है? कारण है कि 6 के अंदर में दो संख्या है, 3 है और 2 है। तो 3 से अगर विभक्त होता है तो एम 3 से विभक्त हुआ, वो अकेले उस, इसका मतलब है कि वो 6 से विभक्त होगा उसकी गारंटी नहीं दी, उसकी संभावना बना। क्यों? 6 के अंदर दो संख्या है, दूसरा 4 से भी विभक्त होता है। अब 4 2 से बना हुआ है, 2 2 दूनी 4, 6 के अंदर में 3 और 2 है। तो अगर जो संख्या 3 से विभक्त होता है, 2 से विभक्त होता है, तो वो 6 से भी विभक्त। तो देखो आपने ये मैसेज को सीखा, हल्के में आपको भागा देने के लिए नहीं बोला गया, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आया कि किसी संख्या से, किसी संख्या को भाग देने के लिए वो जो संख्या, जिस दो संख्याओं का गुणनफल है, भाग देने वाले संख्या में भी वो गुणनफल वाले संख्या होना चाहिए, तभी वो भाग जाएगा। तो देखो ये छोटी सी बात है, और ये 2-3 बार जब जानते हैं आपके दिमाग में घुस जाता है। आप मैथ में कमजोर हैं, आपने तो एक चीज को जाना है खाली, मैथ में इस्तेमाल नहीं किया, ये आपके झोली में पहला कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल को देखते हैं। बोलता क्या है, एक्स और वाई का गुणनफल जो है 30 से ज्यादा, मतलब दो संख्या को गुणा कर रहे हैं और गुणनफल जो निकल रहा है, गुणा करने के बाद जो निकल रहा है, वो 30 से ज्यादा। अब बोलता है कि एक्स और वाई का जोगफल, उसको दोनों संख्या को जोड़ते भी तो वो भी 30 से ज्यादा हो जाता है। तो ये पहले की तरह हुआ, पहली, लेकिन ये छोटी सी पहली है, बहुत हल्की सी पहली है, और ये कोई इंफॉर्मेशन आपको देता है, कोई कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए देता है। अब बोलते हो कि साला 30 से भी ज्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूं, संख्या 15 दो जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। बोला कि जोड़ने पे भी 30 से ज्यादा, गुणा करने में भी 30 से ज्यादा, तो 30 और 1 ले लेता हूं, 30 को 1 से गुणा करूंगा तो 30 होगा। लेकिन नीचे का कंडीशन बोला हुआ है प्रत्येक संख्या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या हो सकता है 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला संख्या 2 है, 30 है, क्या कि 30 के साथ अगर 3 मैं जोड़ता हूं तो क्या होता है, वो आपका 30 से ज्यादा होगा। या हम 28 जो है और हम 3 लेते हैं, तो 28 और 3 को जोड़ेंगे वो भी आपका ज्यादा होगा 30 से, गुणा करेंगे वो भी ज्यादा होगा। तो देखो ये कंसेप्ट, मैं अभी क्वेश्चन का ये नहीं, एक कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ कि ऐसे आने पर हमें कैसे सोचना है।
ऐसे आने पर हमें कैसे सोचना है, ये भी एक कंसेप्ट है आपके झोली में गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीन संख्याओं का औसत 10,000 है, सबसे छोटी रकम 8,000 है। ये देखो दो इनपुट है, दो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब बोलता है कि हमें तीनों संख्या अगर निकालना है तो क्या हमें सबसे बड़ी रकम 13,000 का इंफॉर्मेशन चाहिए, सफिशियंट है, उससे क्या मैथ निकल जाएगा, या एक रकम 12,000 है दो नंबर का जो कर, वो सबकी जरूरत है। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, डाटा सफिशियंसी की बोल रहा हूं। अगर आप औसत के बारे में पता है, औसत से कुल संख्या कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता लगेगा कि भैया ये दो इंफॉर्मेशन के साथ तीसरी इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अब दो में से आप एक को लेके भी कर सकते हो, दोनों चाहिए, या दोनों को अलग अलग इसमें देते हो तो भी आपका जवाब निकल जाता है। तो मतलब एक सवाल, हल्की सवाल, बहुत ही नॉर्मल सवाल, ये किसी आपके बैंक या एसएससी में आने वाले सवाल नहीं है, इतनी हल्की है, लेकिन ये आपके कंसेप्ट को बनाता है कि अगर कोई संख्या औसत में दिया हुआ है और उससे अलग अलग तीन संख्या का औसत दिया है, उससे अगर तीन संख्या अलग अलग रूप में निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इनपुट होना चाहिए। अर्थात जैसे अपने रोटी बनाने की बात होगी तो रोटी बनाने के लिए बगैर आटा बगैर पानी का रोटी बन नहीं सकता, ठीक है ना। सबसे पहले है कि भाई जैसे कुछ भी हम बनाने जाएंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट। मुश्किल क्या होता है, जो मैथ में कमजोर होते हैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट उनके पास नहीं होते। या उन छात्रों को मैं बोल रहा हूं जिनके पास ऐसे तो जैसे किसी चैप्टर में वो मैथ का है तो करते हुए चले जाते हैं, लेकिन जब वो चैप्टर एकाएक आता है उनकी सोच जो है वो ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता है उसे क्या करें। ये क्या चीज है आप जानते हैं, जैसे बहुतों का देखिएगा 13 का पहाड़ा आता है, 13 का 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 करके 13 से 9 तक 13 नवा तक बोल देते हैं, लेकिन उसको एकाएक आप पूछते हैं कि 13 पचे कितना होता है, 66 नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके सीखने के क्रम में कभी एप्लीकेशन में आया ही नहीं है कि वो एकाएक वो आए, तो उसके लिए भी डाटा सफिशिएंसी का इस्तेमाल होता है एक अलग तरीके से। तो कहने का मतलब है डाटा सफिशिएंसी आपके कंसेप्ट को बिल्ट अप करता है। जो सवाल आता है, जब भी आता है कि हर सवाल जो मैथ में क्या होगा, जो हार्ड मैथ बोलते हैं उसमें दो दिया हुआ रहता है, दो इनपुट या तीन इनपुट दिया हुआ रहता है, चौथे का हिसाब ही नहीं होता है, उस तीन से चौथे को निकालना पड़ता है, फिर ये चारों को मिला के रिजल्ट निकलता है। मतलब क्या है, मतलब है क्यों और कैसे, जिसका ही दूसरा नाम हमने बोला है कंसेप्ट। अब देखिए एक सवाल और देखते हैं, पूछा गया है प्लेन में कितने यात्री हैं, महिला यात्री 25% है, बच्चे 35% है, प्लेन में 24 पुरुष हैं। अब बोलता है कि आपको प्लेन में कितने यात्री हैं ये निकालने के लिए क्या पहले नंबर इंफॉर्मेशन से हो जाएगा, 25% महिला है 35% बच्चे हैं, इससे क्या कि निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। आप 100 में से 25 और 35 को घटा देते हैं, 25 और 35 मिला के 60 होता है, प्रतिशत 100 का होता है, 100 से 60 घटा दी तो 40, लेकिन 40 निकला क्या, प्रतिशत निकला। तो एक कंसेप्ट हुआ क्या, अगर प्रतिशत है उससे प्रतिशत ही निकल सकता है, अगर प्रतिशत के साथ इनपुट में एक संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या ढूंढो तो नहीं निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप जानते हैं तो बोलते नहीं भैया इससे तो जवाब नहीं निकलेगा, इसके साथ प्लेन में 24 पुरुष है वो भी मुझे चाहिए, ये तीन इनपुट होगा, मतलब अगर मेरे को
रोटी बनाना है, आटा और पानी, साथ में चूल्हा भी चाहिए, बिना चूल्हा का तो रोटी बन नहीं सकेगा। तो आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, यहां भी वही है। केवल प्रतिशत होने से नहीं होगा, प्रतिशत के साथ संख्या, तो ये कंसेप्ट हुआ ना। बहुत जगह पे आपको ये कंसेप्ट, आप जो भी प्रतिशत के करते हैं थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, इसकी भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये अगर आपके झोले में नहीं है तो उस मैथ को करने में आप वही बोलेंगे कि मेरे को समझ में नहीं आया। आपको क्या समझ में नहीं आया था? आपको ये समझ में नहीं आया था कि आपके पास जो दिए गए हैं वो सफिशियंट है या नहीं, जो इनपुट दिए गए हैं, जो चीजों को दिया गया है। फिर आपका जाने का रास्ता कैसे करें, ठीक है ना? अगर जानते भी हैं तो हो सकता है सीरियलिटी पता नहीं है। सीरियलिटी पता नहीं है मतलब आपको, हाँ भैया पानी चाहिए आपको पता है, आटा चाहिए पता है, गूंथा जाता है पता है, बेला जाता है पता है, तवे में डाला जाता है पता है, लेकिन पहले कौन होता है, पहले बाद में कौन होता है वो पता नहीं है। तो फिर आप रोटी बनाने किसी सवाल का जवाब दे नहीं सकते। अब आते एक और सवाल पे। देखिए, राम और चारु के मासिक आय में कितना अंतर है? बोला अब डाटा क्या दिया गया है, राम श्याम से 6000 रुपया कम आय करता है, क्या इससे राम और चारू के मासिक आय में कितना अंतर है? जैसे मेरे और आपके आय में कितना अंतर है, चलिए 1000 रुपये का अंतर है। अब पूछा है तो आपको है, अब बोलता है कि मेरा इनकम जो है मेरे दोस्त के इनकम से 4000 रुपया ज्यादा है, तो उससे आप सोचते हैं भैया मेरे और आपके बीच का तो कहानी बला ही नहीं, आपने तो अपने दोस्त के बीच की कहानी बोल दिया, तो उससे तो निकलेगा नहीं। फिर बोला कि दोस्त से जो आपका इनकम आधा है, अब होता है कोई बात बनी, मतलब मेरे से दोस्त का रिलेशन बताया गया, दोस्त से आपका रिलेशन बताया गया है, तब शायद मेरे और आपने बीच में कोई रिलेशन बनता होगा। तो देखो ये कंसेप्ट है। अब जब ये इतने सरल रूप में आपके पास आते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी मैथ के कंसेप्ट को बनाता है। मैंने एक महीने में मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर खत्म होंगे उसकी गारंटी दिया है। लेकिन शुरुआत के तरीके तो अवश्य कुछ अलग है, क्योंकि जो चीज आप 12 साल लग गए सीखने में, उसे अगर मैं एक महीने में आपके अंदर डाल के वही तेज तरार स्टूडेंट की बात करता हूं, तो जरूरी है कि वो थोड़े से तो अलग जरूर होंगे। और एक सवाल के तरफ चलिए। अब देखिए फिर से एक आया, x क्या 28 से विभक्त होगा? देखो पहले का थोड़ा सा था ना, 28 से x विभक्त होगा, 28 से x तभी विभक्त होगा जब 28 के अंदर में दो संख्या है 7 और 4। 7 और 4 से अगर m विभक्त होता है तो 28 से विभक्त होगा, जो मैंने पहले भी किया ना, m को 6 से विभक्त होगा पूछा गया था, फिर था कि 3 से विभक्त होता है, 4 से विभक्त होता है। देखो ये इसके बाद ये दूसरी आती है तो कोई लिंक मिलता है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है और उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, फिर हो गए ना मैथ में तेज तरह। तो ये जो है, कोई टीचर जब हमें पढ़ाने की कोशिश करता है वो क्या करता है, 4 कंसेप्ट को एक साथ आप में डालने की कोशिश करता है, 4 कंसेप्ट को एक साथ डालने की कोशिश करता है। एक मैथ तो बड़ी मुश्किल से अब तक चुपके समझ गए, दूसरी मैथ कोई मैथ मतलब ये 3 और 4 कंसेप्ट वो ठूसने की कोशिश करता है, आपका दिमाग हाथ उठा के देता है, ना रे ना मैं नहीं समझने वाला, बस आपको समझ में नहीं आया। तो कहने का एक ही जगह है, जब आप एक चैप्टर कर रहे हैं प्रतिशत, प्रतिशत में आने वाले कंसेप्ट जो है वो अगर आपको धीरे धीरे, आपको एक टाइप के कंसेप्ट धीरे धीरे डाला जाता है, तब बिलीफ नहीं करोगे दोस्त, 3 दिन में प्रतिशत के हर चीज को आपको समझ में आने लगता है, करना क्या है, क्यों करना है। और जब 8 चैप्टर्स पे आप ये कर लेते हैं तो आप भी जाके ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं कि मैं भी मैथ में तेज तरार हूं, एक चैप्टर से नहीं होता। तो कहने का मतलब इसमें दो चीज आ गए,
करना क्या है, क्यों करना है, यही कंसेप्ट है। कैसे करना है कैलकुलेशन पार्ट। हम कैलकुलेशन सीखे, हमने चैप्टर के फंडामेंटल्स को जाना। क्यों जाना? क्योंकि वहीं से क्यों करने का है हमें थोड़ा सा जानने का आभास हुआ। फिर जब हम डाटा सफिशिएंसी के इन सवालों को करना शुरू करते हैं, तब हमें क्या होता है, वास्तविक रूप से हम छोटे छोटे कंसेप्ट को हम झोले में डालना शुरू करते हैं। फिर जब बड़े मैथ को करना चाह शुरू करते हैं, तो उन कंसेप्ट को निकाल के उसकी इस्तेमाल शुरू करते हैं। आशा करता हूं चीजें आपके पास समझ में आ रहा होगा। अब एक आता है घर के एजेंट को एक घर की बिक्री पर 6% कमीशन मिलता है। घर का कीमत क्या है, क्या निकल जाएगा? बोला कि चलो इसके साथ दो और शर्त है। कौन सी शर्त लगा के आप करोगे? पहला, घर की कीमत से कमीशन घटाने पर 84,600 बचता है और घर का कीमत कमीशन का 250% है। देखो, घर का कीमत पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा। हमने अब भी सुन के आए ना, खाली प्रतिशत प्रतिशत होगा तो नहीं होगा। तो मतलब क्या, घर का कीमत कमीशन का 250% है, इससे अपने को कोई फायदा नहीं होगा। ये इनपुट मिलने के बाद बिना मैथ किए आप जब सीख गए हैं, तो समझ गए कि 2% से कभी पैसा का वैल्यू नहीं निकलता है। और घर का कीमत 84,600 है कमीशन घटाने पर, लेकिन आपको समझ में आता है ये और 6%, ठीक है ना, इन दोनों से आपको रिजल्ट निकलेगा। तो क्यों निकलेगा इसका सवाल है कि दो, एक प्रतिशत और एक संख्या के मिलन से तीसरा संख्या निकलता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कैसे निकालना है, किस तरह निकालना है, ये क्या होगा, अब इसके साथ आपके झोले में दूसरे कंसेप्ट आके मिल जाएंगे तो आपको रास्ता क्लियर दिखेगा। कंसेप्ट एक छोटी मोती होता है। आपको माला पहनना है जिसमें मोतियां पिरोए जाते हैं। एक सवाल एक माला है, उसमें मोतियां पिरोए हुए हैं। कंसेप्ट केवल एक मोती है। तो पहले आपको मोती की माला बनाने के लिए मोती को आपके झोले में डालना होगा। डाटा सफिशिएंसी क्या है, वहां मोतियों के भरमार है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जनाब डाटा सफिशिएंसी लेके आइए, उसमें से मोती निकालिए, अपने झोले में रखिए, फिर इस्तेमाल करना सीखिए। हो गया आपका प्रॉब्लम का? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन प्लान, अभी तो यही बोला, सोर्सिंग कहां से मिलेगा? देखो भाई, नेट में ये सफिशिएंट नहीं है, चैप्टर वाइज तो है ही नहीं। आप कोई भी अच्छी सी बुक एसएससी या आप बैंक की ले लो, जिसमें डाटा सफिशिएंसी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज, और कम से कम उसमें 100 होने चाहिए एक एक चैप्टर में। वो आपके काम की चीज है, उसे आप लेके आए। फिर क्या है, फिर मैं बोलता हूं इस वीडियो और पहले वाले वीडियो को एक बार ठीक से देखें, कहां से शुरू करना है और कमजोर छात्र गणित कैसे सीखे। क्योंकि आप अगर डाटा सफिशिएंसी लेके आते हैं तो भी आप सफिशिएंट नहीं है इस चीज को शुरू करने के लिए। आपको पहला है, आपको कैलकुलेशन पार्ट में कितना सीखना है, बहुत जरूरी है, और आपको फंडामेंटल्स में क्या क्या जानना है वो जरूरी है। उन दोनों को जानने के बाद ही आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते, बीच में से नहीं कर सकते। फिर तीसरा आता है एक्टिव लर्निंग। ये क्या है, अब आपने प्रतिशत के ऊपर समझ लीजिए कि 25 टाइप के आपने क्या कहते हैं ये ले लिए, कंसेप्ट ले लिए। अब कंसेप्ट लेने के पहले भी आपको उसकी कंसेप्ट की क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे आप कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर क्या है कि ये आपके लिए हल्का है,
उसे एल लिखते हैं लाइट, जो आपको आधा आधा समझ में आ रहा है उसे लिखते हैं मीडियम, जो कुछ भी ये डाटा सफिशियंसी के प्रतिशत के जो है आपके दिमाग के ऊपर से जाता है उसे लिखते हैं क्या, एच हार्ड। अब देखिए इस डाटा सफिशियंसी का सोल्यूशन जो है उस किताब के पीछे दिया हुआ है, उससे आप समझने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं अगर आपने फंडामेंटल को ठीक से पढ़ लिया है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपने सीख लिया है, तो पीछे का लिखा हुआ देखने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और कहीं फंस भी गए, आपका जो अच्छा फ्रेंड है उसको फोन पे पूछ लिया तो वो जो बताएगा आपको तुरंत समझ में आ जाता है मामला क्या है। कृपा करके मेरे को ना फोन करेंगे यार, मैं नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब क्या हुआ, तो जब क्या हुआ, अब आपने ये जब क्लासिफिकेशन कर लिया और जब आपने सारे मतलब डाटा सफिशियंसी के सवाल का हल जान लिया और उसे एक दो दिन रिवीजन कर लिया, अभी तक आप एक्टिव लर्निंग नहीं है, अब आप क्या करते हैं, किसी भी आप जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में या परसेंटेज की जो प्रतिशत की जो आपके पास किताब है उसको पढ़ते हुए वहां पर आपने जो 20 या 30 या 40 या 50 कंसेप्ट को सीखा है डाटा सफिशियंसी से, वहां कहां इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, उसको ढूंढना शुरू करते हैं। उसमें लिखते भी हैं कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये आपकी एक्टिव लर्निंग हुआ, क्योंकि ये रेडीमेड होने से कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे हमने बोला कि सपोज कि पकड़ लीजिए 81 है, 81 किस संख्या से भागा जाएगा, वहां देखा कि उसने काट दिया, उसने भैया 81 जो है 9 से कट कैसे कट गया, तो आप फिर सोचते हैं कि 81 तो 9 9 81 होता है, अब 9 के अंदर 3 घुसा हुआ है, 3 3 9, तो इसके लिए तो देखो ये कटा क्यों, आप तो जानते हैं ये कटता ही है, मैं तो काफी नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन कटता है क्यों कटता है ये आपको पता नहीं था। इस कंसेप्ट ने आपको बताया कि क्यों कटता है, और जब क्यों कटता है आपने जान लिया, दूसरा क्यों नहीं कटेगा वो भी आपको समझ में आ गया। तो फिर एक्टिव लर्निंग उसी जगह का है, लेकिन मैं जानता हूं इसके लिए मेरा जो है फिर एक लंबा कम से कम आधे घंटे का बोलना, तो इसके लिए मैं हर बार बोलूंगा कि मैं कोशिश करूंगा इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे सकूं कि एक महीना में सही में आप अपने मंजिल को पा सकें। अभी देखिए आज का यही मैं खत्म कर रहा हूं, तो देखिए फिर से बोलता हूं कि जिन्होंने नहीं किया है, मतलब मेरे दो वीडियोस पहले नहीं देखे हैं, उनसे बोलूंगा कि सही में आप अगर इससे निजात पाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट नहीं है, पहले के दो वीडियो को ठीक से देखेंगे और समझेंगे, फिर आप ऑनेस्टली कोशिश करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए ये कोई भगवान का प्रवचन है नहीं, इसके अंदर में सारे चीज साइंटिफिक एक वैज्ञानिक चीज है, जो आप भी सुन रहे हैं और इतने देर से सुन रहे हैं तो मतलब आप भी समझ रहे हैं कि बातें सही है, और इसे करना क्या इस पे है, और ये क्या है कि अभी देखो घंटा भर होने चला है, 40 मिनट से ऊपर हो चुका है मेरे हिसाब से, हम खाली कुछ तथ्य को ही रखें, आगे भी और भी तथ्य को रखना होगा, लेकिन तब तक आपको शुरुआत भी करना होगा, क्योंकि शुरुआत करेंगे आपकी प्रॉब्लम आएगी उस वक्त, अगर वीडियो भी आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए काफी चीज सहूलियत होगा। और एक चीज तो जानते हैं इस विषय में नेट में बहुत सारे आपके पास विकल्प नहीं है, और साथ ही साथ मैं एक बात को बोलूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो वीडियो मिला कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे वीडियो जो है आपको झट से मिल जाएंगे, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके ईमेल में ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो 2 करोड़ जो वीडियो है अभी यूट्यूब में, उसमें से मेरे जैसे नाचिस का वीडियो आप समझ लो कितनी बड़ी मुसीबत की कहानी है।
तो चलिए आज खत्म करते हैं यहीं पे। ओके देन।